पालमपुर में धुआंधार की ऊंची पहाड़ियों पर बादल फटने के समाचार मात्र अफवाह है। न्यूकलखड़ के आसपास इलाकों में ज्यादा बारिश होने से जल स्तर अचानक बढ़ गया था और काफी पानी सौरभ वन विहार के अंदर चला गया, जिससे वह विहार में एक बार फिर से तबाही मची है। बीते साल सितंबर माह में बारिश में सौरभ वन विहार में भारी तबाही मचाई थी। न्यूकल में बड़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को खड्डों से दूर रहने की सलाह दी है। गौर रहे कि पिछले कुछ समय से सौरभ वन विहार को पुनर्स्थापित किए जाने के प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन अब हुई बारिश से इस काम के प्रभावित होने की भी आशंका बन गई है। वहीं तहसीलदार वेद प्रकाश अग्निहोत्री ने कहा कि गत रात्रि मध्य रात्रि से पालमपुर क्षेत्र और न्यूगल खंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बादल फट गया हो, लेकिन प्रशासन ने पूरी छानबीन करके ये पाया कि ज्यादा बारिश हो जाने के कारण खड्ड का जल स्तर बढ़ा है और बादल फटने की जो अफवाह डाली जा रही है ये बिल्कुल गलत है, जिसका प्रशासन खंडन करता है। और साथ ही जो 5 लोग ओम पावर प्रोजेक्ट में फंसे थे उनको भी वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं तहसीलदार ने लोगों से अपील की है कि न्यूगल खड्ड के आसपास इलाकों में ज्यादा बारिश होने पर लोग खड्डों के किनारे ना जाएं। शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी के चिकित्सकों ने प्रयास से 10.5 किलो का यूट्राइन सार्कोमा महिला के पेट से निकाला है। हालांकि अभी लैब टेस्ट से पहले ये फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन है या सार्कोमा स्टिक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह के मामले प्रदेश में ना के बराबर सामने आते हैं। रामपुर के खनेरी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने प्रयासों से इसका सफल ऑपरेशन हुआ है और मरीज भी अब सामान्य है। मरीज के परिजनों ने बताया अगर चिकित्सकों ने हालत को देख ऑपरेशन के लिए मना कर दिया होता तो प्रदेश से बाहर जाना पड़ता, ऐसे में आर्थिक संसाधनों की कमी से भी इस इलाज को बड़े हॉस्पिटलों में नहीं करा पाते। उल्लेखनीय है कि गुड्डी नामक एक महिला जो कि कुल्लू जिला के आनी निवासी 10 दिन पूर्व महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर में दाखिल हुई। उन्हें ओपीडी में सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय को दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड जांच करने के उपरांत डॉक्टर संजय ने उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा के पास भेज दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सारे जांच करने के बाद वो सिटी स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय व ओवरीज को निकाल दिया गया। डॉक्टर द्वारा भौतिक जांच करने के बाद इसमें ट्यूमर पाया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि ये यूट्राइन सार्कोमा भी हो सका है। ऑपरेशन से निकाला गया अवशेष का भार 10.5 किलो के करीब है। डॉक्टर दिनेश का मानना है कि ये फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन भी हो सकती है। ऑपरेशन के दौरान टीम में डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर संजय सर्जरी विशेषज्ञ व डॉक्टर सहित व डॉक्टर सतीश नेगी बेहोशी विशेषज्ञ शामिल थे। गौरतलब है कि डॉक्टर दिनेश पहले भी इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं। महिला के पति अमरचंद ने बताया कि मरीज को लेकर रामपुर आए थे, उन्हें स्थिति से मरीज का इलाज कराना मुश्किल हो गया था। 5 से 6 वर्षों से मरीज को ये परेशानी थी। डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि खासकर इतना बड़ा साइज होना, इतना वजन होना, मरीज का इतने लंबे समय तक स्वाइप करना रेयर है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान ट्यूमर का पता चला और ऑपरेशन किया। उन्होंने बताया ये यूट्राइन सार्कोमा या फाइब्रॉइड टिश्यू की फैटी डिजनरेशन भी हो सकती है, जिसका लैब टेस्ट के बाद पता चलेगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का अस्तित्व एक बार फिर से खतरे में पड़ गया है। रिज मैदान के एक भाग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे रिज के धंसने का खतरा पैदा हो गया है। रिज मैदान के धंसने से शिमला शहर में भारी तबाही मच सकती है, क्योंकि रिज मैदान के नीचे पानी के लाखों लीटर के टैंक हैं। अगर दरारें टैंक तक पहुँच जाती हैं और टैंक फट जाते हैं तो शिमला शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शिमला के रिज मैदान का निर्माण अंग्रेजों ने किया था और इसके नीचे पानी के टैंक भी अंग्रेजों ने ही बनाए थे, जिससे शिमला शहर के लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। रिज मैदान के एक भाग पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार दरारें आ रही हैं, जिससे रिज मैदान खतरे में है। नगर निगम प्रशासन रिज मैदान को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हर वर्ष केवल लीपापोती ही हो रही है। इस बार भी दरारों को दबाने के लिए पत्थर बनने का काम शुरू कर दिया गया है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का युवक अजय कोहली प्रदेश में नंगे पैर एक विशेष लक्ष्य लिए घूम रहा है। अजय चाहता है कि जो बचपन देश के चौराहों पर भीख मांगता और होटलों ढाबों में बाल मजदूरी करता नजर आता है, वह ये काम छोड़कर पढ़ाई कर और देश के विकास के लिए योगदान दे। इसलिए वह भारत देश के हर प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है कि बच्चों को भीख नहीं बल्कि पढ़ाने की सीख दें, उनसे बाल मजदूरी ना करवाएं बल्कि उन्हें पैरों पर खड़े करने के लिए उनकी शिक्षा में सहायक बने। अपने इसी अभियान में अजय हिमाचल के सोलन शहर में भी नंगे पैर यहां आए और जहां उन्होंने सोलन के रेलवे स्टेशन और बाजार में शहरवासियों खास तौर पर युवाओं को भिक्षावृत्ति और बाल श्रम के बारे में जागरूक किया। अजय कोहली ने बताया कि उन्होंने ये यात्रा 2015 से आरंभ की थी और अब तक वे 9 प्रदेशों और 101 शहरों में पैदल नंगे पैर यात्रा कर देश के 3.47 लाख नागरिकों को जागरूक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे अब तक 14,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा देश में बाल मजदूरी ना करे और ना ही वे भिक्षावृत्ति की दलदल में फंसे। अजय ने कहा कि वे अकेले इस लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, इसलिए वे प्रदेशों में जाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं ताकि देश के बच्चे भिक्षावृत्ति और बाल श्रम से बाहर निकल सके। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ये है कि वे 2021 तक समूचे भारत का भ्रमण करें।